यहाँ पर आप देखो, आपको हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पर हमने हमारा जो फोन पे ऐप है उसको हमने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। ओपन करने के बाद अगर हम फोन पे को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पर काफ़ी सारी ऐड दिखेंगी। तो इसी वाली ऐड में हमें फर्स्ट नंबर वाली ऐड दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है जीरो द न्यू हीरो, और नीचे लिखा हुआ है जीरो ट्रांजेक्शन फीस, जीरो प्रोसेसिंग फीस और जीरो हिडन चार्ज। और इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है क्रेडिट अप टू 35,000, मतलब हम यहाँ पर 35,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो लोन ऑफर किया जा रहा है यह हमें रिंग मोबाइल ऐप की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर आपको रिंग ऐप के अलावा भी बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे। फोन पे जो मोबाइल ऐप है वो आपको फोन पे खुद यहाँ पर लोन नहीं देता है, फोन पे के अंदर कई सारी कंपनियां स्पॉन्सरशिप करवाती है, कई सारी कंपनियां यहाँ पर ऐड करवाती है, उनके थ्रू ही आपको यहाँ पर लोन मिलता है। हमने हमारा फोन पे यहाँ पर ओपन किया है तो यहाँ पर हमें रिंग मोबाइल ऐप की यहाँ पर हमें ऐड देखने को मिली, और हमें यहाँ पर अगर हम लोन लेंगे तो हमें यहाँ पर जो लोन मिलेगा वो यहाँ पर रिंग मोबाइल ऐप से ही मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर एक बार लाइव अप्लाई करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पर जीरो द न्यू हीरो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये अब हमें डायरेक्ट हमारा जो प्ले स्टोर है वहां पर हमें ये यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। प्ले स्टोर के अंदर हमारा जो रिंग ऐप है वो यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो पे विद रिंग मोबाइल ऐप हमारे सामने आ चुका है। और यहाँ पर हमें लोन अगर लेना है, लोन लेने के लिए सिंपली हमें इस वाले ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हमें इसे ओपन करना है और यहाँ से हमें लोन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमारा जो फोन पे था, फोन पे के अंदर हमें बताया हुआ था कि अगर आप यहाँ पर रिंग ऐप के थ्रू लोन लेते हो तो यहाँ पर आपको 35,000 रुपए का लोन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा मोबाइल ऐप है इसके अंदर भी यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर रिंग ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर भी आपको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको 35,000 रुपए की लिमिट मिलेगी जिसको आप बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन कुछ भी सामान शॉपिंग वगैरह करने के लिए, परचेज करने के लिए यूज में ले सकते हो। अगर आपको भी फोन पे से अगर लोन लेना है तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको काफी सारी एड दिख जाएंगी। इन वाली एड्स में से आपको कोई भी एक लोन एप्लीकेशंस की एड आपको देखनी है। यहाँ पर आपको मनी व्यू मोबाइल ऐप का एड दिख जाएगा, नावी का दिख जाएगा, क्रेडिट बी का दिख जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टेंट मोबाइल ऐप्स हैं जिनकी एड आपको यहाँ पर फोन पे के अंदर दिख जाएगी। जिन वाली कंपनी के थ्रू, जिन वाले मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप लोन लेना चाहते हो बस आपको उस वाली एड पर क्लिक करना है। एड पर क्लिक करने के बाद आप एड का जो मोबाइल एप्लीकेशंस है, जो प्ले स्टोर है, डायरेक्ट आप उस पर रिडायरेक्ट हो जाओगे और वहां पर आपको एड का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। आपको एड के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है और यहां से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। जैसे हमारा जो फोन पे है, फोन पे के अंदर हमें यहाँ पर रिंग जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अगर आप फोन पे से लोन लेना चाहते हो तो डायरेक्ट आपको फोन पे से लोन नहीं मिलेगा। फोन पे से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रिंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और इसी से आपको लोन के लिए अप्लाई करना होगा। अब हम यहाँ पर रिंग ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए हमें इसको यहाँ से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हमें इसे ओपन करना है। इसके बाद ऐप को ओपन करते ही अब आपसे यहाँ पर आपके कैमरे की परमिशन मांगता है, तो आपको यहाँ पर अनेबल परमिशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको परमिशन को अलो कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने इस के का डैशबोर्ड आता है, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है डोंट हैव ए क्यूआर कोड साइन अप एंड लॉगिन का, तो आपको साइन अप एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर साइन अप करने के लिए तीन ऑप्शन मिलते हैं, मोबाइल नंबर से, गूगल से और फेसबुक से, तो आपको कंटिन्यू विद मोबाइल पर क्लिक करना है। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है या फिर आपका मोबाइल नंबर यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, यहां पर ये आपका ओटीपी ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर ओटीपी ऑटोमेटिक नहीं लेता है तो यहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है उस वाले ओटीपी को डालना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद अभी आपसे यहां पर और आपकी परमिशंस मांगता है, तो आपको नीचे ऑप्शन मिलता है रीड एंड एक्सेप्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको सभी परमिशंस को यहां पर आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको यहां पर
पर सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम डालना है। जैसे हमारा नाम है विजेंद्र सिंह, तो फर्स्ट नेम में हम हमारा विजेंद्र डालेंगे, लास्ट नेम में हम सिंह डालेंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे जो आपका डॉक्यूमेंट में है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जो भी आपका जेंडर है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोमो कोड पूछा जा रहा है, तो जो आपको प्रोमो कोड स्क्रीन पर दिख रहा है यह वाला प्रोमो कोड आपको यहाँ पर प्रोमो कोड में डाल देना है, अन्यथा आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू आपको अपने आधार कार्ड की KYC करनी होगी, तो उसके लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म एंड कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, OTP डालकर फिर से नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अलो और डेनाई करने का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर परमिशंस को अलो करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड वाया डिजी लॉकर, मतलब आपकी जो KYC है डिजी लॉकर के थ्रू वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आप जितनी भी लिमिट के लिए एलिजिबल होंगे, जैसे हम यहाँ पर 3,000 रुपए की लिमिट के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पर आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी लिमिट होगी वो वाली लिमिट आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। आप यहाँ पर 35,000 रुपए तक की लिमिट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जो भी लिमिट आपको यहाँ पर बताई जाएगी इस वाली लिमिट को आप इंस्टेंट के इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके लिए आपको नीचे यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी लिमिट है वो आपको ऊपर बता दी जाएगी। अगर आपको इस वाली लिमिट को किसी को सेंड करना है, आपको QR कोड में सेंड करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्कैन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और जिस भी QR कोड में आप इसको स्कैन करना चाहते हैं उस वाले QR कोड को, उस वाले शॉपकीपर के QR कोड को आपको स्कैन करना है और यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। ज़्यादातर केसेज में अगर आप यहाँ पर स्कैन करके अपना पेमेंट करोगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट नहीं होगा, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, इस वाले पैसे को आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहां पर नीचे आपको जो ऑप्शन मिल रहा है मोर का, आपको मोर पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही आप यहां पर देखोगे तो आप इस वाले पैसे से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिचार्ज कर सकते हो, DTH रिचार्ज, गैस रिचार्ज, ये सारे काम आप यहां पर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस वाले पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेना है तो यहां पर आपको बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपको यहां पर नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर अपने उस वाले बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है जिस वाले बैंक अकाउंट में आप इस वाले पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहां पर आपको IFSC कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, वापस से अकाउंट नंबर डालना है, नीचे जो भी आपका नाम है वह वाला नाम डालना है, अकाउंट टाइप में आपको अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट सेलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहां पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाए। अब आपको इस वाले बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है और जितना भी पैसा आप यहां पर ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। इंस्टेंटली जो भी आपका पैसा है वो रिंग ऐप से कन्वर्ट होके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जितना भी पैसा आप इस वाले ऐप से स्पेंड करोगे, जितने रुपए का भी आप लोन लोगे, उस वाले लोन के पैसे को आप यहां से जितना भी पैसा निकाल लोगे वो आपका यहां पर करंट स्पेंड में शो होता रहेगा। जैसे हमने यहां पर 10 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो वो हमें यहां पर करंट स्पेंड्स में शो कर रहा है। अगर हमें इस वाले पेमेंट का रिपेमेंट करना है तो रिपेमेंट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर आपको रिपेमेंट करने के लिए 6 महीने का टाइम मिलता है, तो आप 6 महीने के अंदर इसको रिपेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको 6 महीने से पहले इसका रिपेमेंट करना है तो आपको पे अर्ली पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको कई तरीके के पेमेंट गेटवे दिए हुए हैं, यहां पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि अगर आपको फोन पे से लोन लेना है तो फोन पे के अंदर जो लोन मोबाइल ऐप्स होते हैं, कई सारे मार्केट के अंदर मोबाइल ऐप्स हैं जो कि आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन देते हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है
कि फोन पे के अंदर अपना एड चलवाया हुआ है, फोन पे के अंदर अपना स्पॉन्सरशिप करवाया हुआ है, तो फोन पे के अंदर आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काफी सारे मोबाइल ऐप्स की आपको एड चलती हुई दिख जाएंगी, जैसे मोबीक्विक की दिख जाएंगी, इसके अलावा मनी वी की दिख जाएगी, नावी की, क्रेडिट बी की, रिंग की, इसके अलावा भी सैकड़ों मोबाइल ऐप्स हैं जो कि आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है, उनमें से कोई ना कोई आपको एक ऐड चलती हुई दिख जाएगी, स्पॉन्सरशिप उसकी दिख जाएगी फोन पे के अंदर। तो जिस भी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप फोन पे के थ्रू उन वाले ऐप्स के थ्रू लोन लेना चाहते हो, जस्ट आपको उस वाली ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आप उस वाले इंस्टेंट लोन ऐप की ओर पहुंच जाएंगे, आपको लोन ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टेंट लोन ऐप के थ्रू ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। जो आपको यहां पर लोन मिलेगा, जो आपको ऐड बताई जाएगी, जिस वाली ऐड में जो भी कंपनी होगी, जो भी मोबाइल ऐप होगा, उसी के थ्रू आपको लोन मिलेगा। डायरेक्ट आपको फोन पे से लोन नहीं दिया जाएगा। अगर आप भी फोन पे से लोन लेना चाहते हैं तो फोन पे से किस प्रकार से लोन लिया जाता है, इस वाले वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में जो भी आपका कंफ्यूजन होगा शायद आपका क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर डायरेक्ट आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमें वहां पर डायरेक्ट मैसेज करता है हम उनका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं।